नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार और आप हमारा शो, खास शो जो देख रहे हैं, चर्चा में केवा। और आज जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर बाजार में हूं और यहां पर सुबह सुबह चाय की दुकान लगी हुई है और लोग जो हैं आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहां पर चाय पीने के लिए सुबह सुबह आए हुए हैं। और खासकर ये लोग जो हैं जमीन से जुड़े लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं। और किसान वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो क्या समस्या रही है, क्षेत्र में कैसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, और खासकर यहाँ से जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वर्तमान में विधायक जनार्दन मांझी हैं, उनकी क्या कार्य रही है वो भी बात कर लेते हैं। और खासकर यहाँ से इस बार कैसे प्रत्याशियों को चुनेंगे और क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा के चुनाव में वो भी जान लेते हैं। सुबह चाय के लिए, चाय पीने के लिए आए हुए हैं। हाँ, चाय पीने के लिए। हम लोग तो मोदी का पार्टी हैं। इनके पार्टी हैं मोदी जी के। तो यहाँ से किसको वोट कीजिएगा, क्या मुद्दा रहेगा? हम मोदी जी का कैंडिडेट को देंगे वोट, जो भी हो जाए मोदी जी का पार्टी। हम लोग आपका जो विधायक हैं अभी वर्तमान में जदयू के जनार्दन मांझी हैं, तो उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? नहीं, उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। क्षेत्र में उनका आना जाना होता है? नहीं, कहीं हो नहीं पहुँचता है वो। जितने के बाद कभी हो नहीं पहुँचा। मृणाल शेखर जी खाली आते हैं रोजे। मृणाल जी आते हैं? मृणाल जी आते हैं, इसी के लिए हम लोग मोदी का। मृणाल जी पिछली बार चुनाव हार गए थे सर। हाँ, उधार गए, लेकिन तो पर भी मोदी में कहा हम लोग ये प्योर पार्टी हैं, खानदानी है, बचपन से मोदी जी की पार्टी है। कोई कैंडिडेट खड़ा रहे उसी को वोट देंगे, हिंदू को पार्टी हम लोग हैं। इस बार किसको मौका दीजिएगा? साहब मोदी जी को देगा आपके, मोदी जी जिसमें करेगा सब सब उत्साह दे रहा हो तो देगा किसको? गमछा आप राजद का लगाया? हाँ, गमछा यहाँ के जो आपके वर्तमान के जो विधायक हैं जनार्दन मांझी, वो आना जाना उनका? कोई नहीं है, अमरपुर क्षेत्र कहाँ आता है, अपने आता है, कहूँ आता नहीं आता, खुद ठिकाने नहीं। हाँ, कभी ने दर्शन नहीं हुआ। अरे कम से कम जीता है, जीता कम से कम पूछना चाहिए। हम ही लोग तो नहीं जीता है, 10 के लोग से ना जीता आदमी। कोई सुने, कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं। खासकर किसान वर्ग के लोग हैं ये लोग, के यहाँ पर सुबह सुबह आना होता है इनका चाय पीने के लिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार जो है किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा और किसको वोट कीजिएगा? वोट तो सर जो कि क्षेत्र में सर सही काम करेगा उसी को वोट देंगे। क्षेत्र में सही से कौन काम कर रहा है? जो भी नेता करेगा, जो विकास करेगा उसको देंगे। अभी देखिए चुनाव का माहौल है, जो है प्रत्याशियों का आना जाना लगा रहता है, क्षेत्र में आते भी होंगे, तो यहाँ पर सक्रिय रूप से कौन से नेता आपके पास आते हैं? आते हैं तो वोट लेने के टाइम में सभी आते हैं, फिर उसके बाद कोई आते ही नहीं है, चले जाते हैं वोट लेके। तो इस बार क्या सोचे हैं किनको वोट देने के लिए? वोट तो किसी न किसी को तो करेंगे ही, लेकिन किसको कीजिएगा ये भी तो बताइए। देंगे मोदी को, देंगे मोदी जी को। मोदी जी के जो कैंडिडेट यहाँ होंगे उनको वोट? उनको देंगे। हाँ, आपके वर्तमान में यहाँ पर जदयू के विधायक हैं जनार्दन मांझी, जान रहे हैं? जी हाँ, आपके विधायक हैं? हाँ हाँ, जान रहे हैं। उनका आना जाना? आना जाना तो अभी नहीं, क्षेत्र में अभी नहीं आए, जब से जीत के गए तो आए ही नहीं। जब से नहीं, यानी 5 साल हो गए, अब तो चुनाव होने हैं, अब कब आएंगे? हाँ वही तो, अभी आए ही नहीं, जब से गया है आया नहीं है क्षेत्र में, घूमने के भी लिए नहीं आया। भैया चाय भी चलाइए, चाय भी बढ़ाइए। किसान वर्ग के लोग हैं, कैसे प्रत्याशियों को इस बार चुनिएगा? वही चुनेंगे तो जनार्दन मांझी को। अभी आपके क्षेत्र में कौन प्रत्याशियों का आना होता है, किस पार्टी के लोग आते हैं? कोई नहीं करता है, कोई नहीं आता जाता है। अभी आपके जो विधायक हैं जनार्दन मांझी वो आते हैं? कभी कल आता है, नहीं करता है वो भी। आप तो किसान लग रहे हैं, किसान हैं तो यहाँ की समस्याएं जो है खेत में, खासकर किसान वर्ग को कैसी समस्याओं का सामना करते हैं आप? वही करेंगे उसको, खेत में सिंचाई पानी। मोदी जी को? अच्छा, वोट मोदी जी को। इनसे भी जान लेते हैं। सर इस बार कैसे प्रत्याशियों को चुनिएगा? सर आज तक जो भी पार्टी जीत के गया हम लोग को सकल दोबारा नहीं दिख लाया कोई सा भी क्षेत्र में। हम लोग अमरपुर क्षेत्र के आदमी है, आज तक जो भी पार्टी जीत के गया कोई नहीं आया। खासकर क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या रह रही है? समस्या ऐसा है कि धान के खेती के लिए हम लोग को पानी ही नहीं मिलता है ना, आज तक कोई नेता इसके ऊपर ध्यान दिया कि मैं हमको पानी का कैसे प्रबंध किया जाए, कुछ कहीं नहीं। बस इलेक्शन के टाइम आए वोट दे दीजिए, उसके बाद जय श्री कृष्णा हरे राम, कुछ कहीं नहीं है। ना पानी घर का निकास का जगह है, हम लोग को रोड पर हम लोग बसे हुए हैं, पानी निकलने का प्रबंध नहीं है, हमको रोड अच्छा नहीं मिला है,
आज तक कोई सरकार देखने के लिए नहीं आई है, हम उससे क्या वोट देंगे। नीतीश बाबू दावा करते हैं कि सूबे में सुशासन की सरकार है और हम काम किए, ऐसा उनका कहना है। वो सब बोल रहे हैं, उनका बात हम मान रहे हैं, मगर वो आए नहीं, सबसे बड़ा उसका बुराई है। तो उनके जो विधायक है, 15 साल हो गया उनको सत्ता में रहने से, आज तक उनका शकल हम लोग नहीं देखे, आज तक शकल नहीं देखे। हम लोग के इधर का धान मर रहा है, पानी का प्रबंध नहीं, डाँड नहीं, जो रोड बन रहा है वो भी डाँड को काट के खत्म कर। इस बार क्या सोचे हैं, किन किसको चुनिएगा? इस बार तो चुनाव होने हैं विधानसभा का। अभी तो मोदी जी का सत्ता चला हुआ है, मगर मोदी जी हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिए, न आज तक कोई प्रक्रिया हम लोग के लिए किए हैं। अभी घोषित कर दिए हर एक पब्लिक को 3000 मिलेगा, कोई पैसे का पता नहीं। राशन कंट्रोल में कहा गरीब को 1000 करके मिलेगा, कोई अपने अपने क्षेत्र में इस बार 21 पार्टी के प्रत्याशियों को किसको अच्छा देखेंगे उसको सर वोट देंगे। अच्छा किसको देखिएगा, अब तो चुनाव का समय है, तो किसी को नहीं देंगे तो लालू को वोट दे देंगे। जब लालू जी को, अच्छा लालू जी को क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा अपना दिल है उसके ऊपर दे देंगे, वो हमारे से मिलने आते हैं, लालू जी के प्रत्याशी आते हैं मिलने के लिए। मगर अभी जो पार्टी जीती हुई है कभी मिलने के लिए कोशिश ही नहीं किया। खासकर देख सकते हैं ये, हाँ कुछ खबर नहीं, पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया, आज तक बिहार का कोई खबर नहीं। आपके अमरपुर में खोज खबर लेने के लिए कौन आते हैं? कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। शेखर बढ़िया है, मृणाल शेखर जीतेगा तो बढ़िया है। विधायक जी कहाँ से? अमरपुर विधानसभा। मृणाल शेखर क्यों? बीजेपी बढ़िया है, यहाँ से काम करे। यहाँ है क्या 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 बढ़िया, मतलब जनार्दन मान जी देखने क्या आता है? कुछ नहीं। तो मृणाल शेखर पिछली बार यहाँ से चुनाव हारे हैं। हाँ हार गए तो हल्का हार के गया है, फिर भी वो बेचारा यहाँ आता है, यहाँ देखता है बाजार चौक चौराहा सब चीज है। ये विधायक जो बन के है वो कुछ नहीं देखता है। मृणाल शेखर बढ़िया है, मृणाल शेखर बढ़िया है, प्रत्याशी बनना चाहिए बीजेपी का अबरी बार। नहीं नहीं तो जल्दीबाजी में आपका थोड़ा बात कर लीजिए, बनना चाहिए बात सही है, लेकिन मृणाल शेखर जो है इस बार जदयू के साथ भाजपा गठबंधन में है। मृणाल शेखर पिछली बार चुनाव हारे थे क्योंकि गठबंधन में सरकार नहीं, उस समय नहीं थी जदयू और भाजपा, लेकिन जब इस बार यहाँ से वो गठबंधन में है, जदयू का यहाँ पे विधायक है, जदयू का ये जीता हुआ सीट है, मृणाल शेखर को टिकट नहीं मिलेगा तब मिलेगा तो निर्दलीय उठ के वो जीतेगा, यहाँ से अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से वही जीतेगा, ये नहीं जीतेगा जदयू फदयू। आप इतने गुस्से में मत बोलिए, आराम से बोलिए। हाँ वो नहीं जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, जो जदयू से उठेगा बीजेपी का उठेगा, मृणाल शेखर निर्दलीय भी उठेगा तो वही जीतेगा, क्योंकि बाजार में सभी जगह वो काम किया है, नहीं भी जीते फिर भी वो काम करते हैं। हाँ खासकर युवा वर्ग के भी लोग हैं, और खासकर देख सकते हैं अमरपुर बाजार का ये नज़ारा है, और चाय की दुकानें हैं, और यहाँ पर किसान और किसान वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, स्टूडेंट भी हैं, सभी तबके के लोग चाय का पीना आना होता है। भैया मेरा चाय, चलिए मेरी चाय भी छूट गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं चर्चा में केवा। तो अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर बाजार से हम आपको यहाँ की जो जनता की राय थी वो आप तक पहुँचाए। हम फिर जो है अगले एपिसोड में अमरपुर विधानसभा के किसी दूसरे क्षेत्र से हम जनता के बीच होंगे, और वहाँ की जनता की राय जो होगी अपना कार्यक्रम जो खास कार्यक्रम है चर्चा में केवा उसके जरिए हम आप तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। Yeah.